दोस्तों आज मैं आपके लिए स्थापित से शुरू होने वाले शब्दों की आउटलाइन आपको बना के बताऊंगा, तो कृपया इस वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखिए। बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैं अक्सर उन्हीं शब्दों को लाने की कोशिश करता हूं जो आपकी डिक्टेशनों में बार बार प्रयोग किए जाते हैं और आपकी प्रैक्टिस कम होने की वजह से आप उन शब्दों को अच्छे से लिख नहीं पाते और आपकी गलतियां अधिक आती हैं, स्पीड भी आपकी नहीं बन पाती। तो आगे से आपकी स्पीड भी अच्छे से बने, गलतियाँ भी आपकी कम आएँ और आउटलाइनें भी आपकी अच्छे से बने। तो मैं अभी इन शब्दों को बना के बता रहा हूँ और यदि आप शॉर्टहैंड सीखना चाह रहे हैं, आपकी स्पीड इसके बाद भी नहीं बन पा रही है, काफ़ी गलतियाँ आ रही हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और आपके लिए परेशानी यह है कि आप अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएँ, कैसे अपनी गलतियों को कम करें, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासें सुबह और शाम दोनों समय चलती हैं। ऑनलाइन क्लासें आपको कैसे ज्वाइन करनी है इसके लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है वह है स्थापित करना चाहते हैं। इसको ऐसे लिखना है, स्थित का चाप लगाना है, स्थापित करना, ये चाहते और ये हैं, बहुवचन हो गया, ये हो गया स्थापित करना चाहते हैं। इसके बाद में आगे है स्थापित किया जाना चाहिए। इस तरह से बनाएंगे इसको, स्थापित किया का शब्द चिन्ह, जाना और ये चाहिए, ये हो गया स्थापित किया जाना चाहिए। आगे हमारा शब्द है स्थापित करने के बारे में। ऐसे ही इसको बनाएंगे, स्थित का चाप लगाएंगे, स्थापित करने के बारे में, ये हो गया स्थापित करने के बारे में। इसके बाद में आगे है स्थापित हो सकता है। इसको बनाएंगे इस प्रकार से, स्थापित हो सकता है, ये हो गया स्थापित हो सकता है। इसके बाद में है स्थापित किया जाता है, ऐसे बनाएंगे इसको, स्थापित किया, ये जाता का शब्द चिन्ह और ये है, ये हो गया स्थापित किया जाता है। इसके बाद में है स्थापित होने जा रहा है, स्थापित ये होने जा और इसको डबल कर देंगे रहा है, ये हो गया स्थापित होने जा रहा है। इसके बाद में है स्थापित करना महत्वपूर्ण है, ऐसे बनाएंगे, स्थापित करना महत्वपूर्ण और ये है, ये हो गया स्थापित करना ये महत्वपूर्ण है। आगे है स्थापित होने के कारण, स्थापित होने के कारण, ये हो गया स्थापित होने के कारण। आगे है स्थापित किया गया है, स्थापित किया ये गया और ये है, ये हो गया स्थापित, ये किया का शब्द चिन्ह, ये गया का आंकड़ा और ये है, स्थापित किया गया है। आगे है स्थापित कर सकते हैं, स्थापित कर सकते और ये हैं, बहुवचन हो गया, स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद में है स्थापित कर सकते थे, इसको बनाएंगे ऐसे, स्थापित कर ये सकते और ये थे, ये भी बहुवचन है, ये हो गया स्थापित कर सकते थे। आगे है स्थापित करने के प्रति, ऐसे बनाएंगे इसको, स्थापित करने के और ये प्रति का शब्द चिन्ह, स्थापित करने के प्रति, के को साइलेंट कर देंगे इसमें। आगे है स्थापित हो जाना चाहिए, स्थापित हो जाना और ये चाहिए, ये हो गया स्थापित हो जाना चाहिए। इसके बाद में आगे आएगा स्थापित करने से पहले,
स्थित का चाप स्थापित करने से, और ये पहले का शब्द चिन्ह ये हो गया स्थापित, ये करने का शब्द चिन्ह, ये सा का आंकड़ा और ये पहले, स्थापित करने से पहले। इसके बाद में है स्थापित करने के बाद, स्थापित करने के बाद इसको काट देंगे, ये हो गया बाद, ये हो गया स्थापित करने के बाद। आगे है स्थापित करने की जरूरत है, स्थापित करने की ये जरूरत का शब्द चिन्ह और ये है, ये हो गया स्थापित करने की जरूरत है। आगे है स्थापित कर चुका है, ऐसे बनाएंगे स्थापित कर, ये चुका और ये है, ये हो गया स्थापित कर चुका है। लास्ट में है स्थापित कर दिया गया है, ऐसे बनाएंगे इसको स्थापित कर दिया और ये गया है, ये हो गया स्थापित, ये कर का शब्द चिन्ह, ये दिया का शब्द चिन्ह, ये गया का आंकड़ा और ये है, स्थापित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइनें बना के बताई हैं। इन आउटलाइनों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, जितना आप अधिक इन आउटलाइनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड निश्चित ही बढ़ती चली जाएगी। बुक का भी आप अच्छे से अध्ययन कीजिए, बुक में दिए गए जितने भी शब्द चिन्ह, सर्वनाम, आंकड़े, वाक्यांश, प्रत्यय, उपसर्ग, संक्षिप्त शब्द, जुट शब्द, इन सभी की आप प्रैक्टिस करते रहिए, बुक की डेली प्रैक्टिस करिए। स्पीड बढ़ाने का आसान तरीका है, बुक को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। जिन लोगों की बुक कंप्लीट नहीं होती है उन्हीं के लिए शॉर्ट हैंड लिखने में दिक्कतें आती हैं, उन्हीं की गलतियां अधिक आती हैं क्योंकि वह शुरू में ध्यान नहीं देते और सीधे डिक्टेशन लिखने लग जाते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सबसे पहले डिक्टेशन को लिखने से पहले जो अपनी बुक है उसको आप कंप्लीट अच्छे से कीजिए। यदि आपने अपनी बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो कोई कारण नहीं कि आपकी स्पीड ना बढ़े। और आप इसी के साथ ही हिंदी पर भी फोकस कीजिए, हिंदी की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप अधिक हिंदी की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ग्रामर को अच्छे से समझेंगे, उतना ही आपकी जो गलतियां हैं वह कम होंगी क्योंकि मात्राओं की गलती, बिंदियों की गलती और आपकी आधे शब्दों की गलती, स श की गलती, बा और वा की गलती, ये काफ़ी गलतियां आप लोगों की आती हैं। तो इन गलतियों को कम करने के लिए आपको डेली हिंदी को भी पढ़ना है, आपको शॉर्ट हैंड के साथ साथ आपको जो शॉर्ट हैंड की बुक है उसका भी अच्छे से अध्ययन करना है और टाइपिंग की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यदि आपने इन सारी प्रैक्टिसों को अच्छे से कर लिया तो आपका शॉर्ट हैंड की जो स्पीड बढ़ना वह भी निश्चित हो जाएगा और आपको अच्छे से सफलता भी मिल जाएगी और आप एक अच्छा मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। तो आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता का यही मूल मंत्र है, मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलेगी। तो और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है शॉर्ट हैंड से संबंधित तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। और हमारी ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासें सुबह और शाम दोनों समय चलती हैं। कैसे ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन करनी है इसके लिए भी आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।